अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबाब रिज़वी। आप लोग देख रहे हैं फ्यूजन कुकिंग विद शेफ़ रबाब रिज़वी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पोटैटो ड्रमस्टिक। आएँ देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। दो अदद आलू कटे फ्रेंच फ्राइज की तरह, सोया सॉस, ऑस्टर सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, चिल्ली सॉस, बॉयल्ड चिकन, नमक, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, मैदा, पानी और ऑयल। सबसे पहले हम अपने मैदे को, एक कप मैदे को गूंद लेंगे। एक कप मैदे में थोड़ा सा सॉल्ट, ये मैदे को हमने गूंद लिए। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे ढक के और जो अपने इसकी फिलिंग की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर हम अपनी सारी वेजीज डालेंगे। ये जो हमारे पास हाफ कप चिकन है ये डालेंगे। हमने बॉईल करते वक्त चिकन में भी नमक डाला था और हमारे मैदे में भी नमक है, तो हम इसमें कम ही नमक डालेंगे और हमारे सॉसेस में भी नमक होगा, इसलिए हमने हाफ टी स्पून ही नमक डाला है। वन टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए। वन टीस्पून चिकन पाउडर। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। थोड़ा सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसे 1 मिनट तक। हमारी वेजीज जो हैं और चिकन सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम अपने सॉसेस डालेंगे इसके अंदर। वन टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस। वन टीस्पून चिल्ली सॉस। वन एंड हाफ टीस्पून ऑस्टर सॉस। वन टेबलस्पून सोया सॉस। एक से दो मिनट तक इसे पकाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। ये हमने पेड़ा बना लिया रोटी जितना। इसे हम बेल लेंगे जैसे रोटी को बेलते हैं। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना थिन होना चाहिए, ऐसी रोटी होनी चाहिए। फिर हम इसकी पहले ये साइडें कट कर लेंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसके
इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, कोटिंग का बैटर तैयार करेंगे। अच्छा आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। नीचे हम इसके जो है फ्रेंच फ्राइज लगाएंगे, मैदे में कोट करेंगे इसे। और इसे ऐसे ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी अपनी बना लेंगे, सारी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, पोटैटो ड्रमस्टिक रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आए इसे फ्राई, ये हमने ऑयल को पहले से जो है हीट पे रखा हुआ था। अब हम इसे फ्राई करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। ये हमारे पोटैटो ड्रमस्टिक्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने घर पे ट्राई लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।